हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है बायोलॉजी एक्स वाई जेड यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो किडनी के ऊपर में स्थित होती है। यदि इसकी संरचना को हम लोग देखें तो यह मुख्य रूप से दो लेयर से मिलकर के बनी होती है। एक है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। कॉर्टेक्स जो है एक आवरण से घिरा हुआ होता है, वो है कैप्सूल से घिरा हुआ होता है। इस कॉर्टेक्स भी फर्दर जो है तीन भागों में बटा हुआ होता है, तीन भाग से मिलकर के बना होता है। कॉर्टेक्स में जो ना ग्लोमेरुलसा पाया जाता है, जो सबसे बाहरी लेयर है, और कॉर्टेक्स की बीच की लेयर है जो ना फेसिकुलेटर, और आंतरिक लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है जो ना रेटिकुलेरिस, और जो ना रेटिकुलेरिस के नीचे मेडुला पार्ट आता है। तो जो इन जो कॉर्टेक्स पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, जोना ग्लोमेरुलसा से एल्डोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और जोना फेसिकुलेटा से कोर्टिसोल हार्मोन श्रावण होता है, और इनर मोस्ट लेयर जोना रेटिकुलेसा रेटिकुलरिस, इससे श्रावण होता है एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन जो है मेल और फीमेल दोनों में श्रावण होता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है। मेडुला से श्रावण होता है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन श्रावण होता है, जो कैटाकोलोमिन नेचर का होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक बेसिक जानकारी इस ग्लैंड के बारे में जाना, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।